आज हम केक बनाएंगे जो आटे से बनेगा, बिना मैदे का और बिना बिना अंडे का। कढ़ाई में बनाएंगे जो बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बनता है। रेसिपी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। अगर रेसिपी पसंद आता है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। ये आधा कप चीनी है जिसको मैंने मिक्सर जार में पाउडर बना लिया है। ये आधा कप दही, तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। नॉर्मल आटा जिससे मैं रोटी बनाते हैं हम लोग, वही आटा है। इसको छान लेंगे। ये 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच बेकिंग सोडा। इसको छान लेंगे। सूखा इंग्रेडिएंट को एक साथ छान लेना है। इसको एक बार और छान लेंगे। आटा है इसलिए 2 बार छानना है, मैदा होने से एक बार में ही हो जाता है। इसको 2 बार छान लेंगे, पूरा एक साथ मिक्स हो जाएगा इसमें। अब इसको बोल में ट्रांसफर कर लेंगे इस तरह से। नमक है, इसे कई बार मैं यूज कर चुकी हूँ इसलिए थोड़ा इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसको प्री हीट के लिए रख देंगे। गैस को जला लेंगे और इसको गर्म होने के लिए रख देंगे। इसको ढक्कन लगा के प्री हीट कर लेंगे। तब तक केक का बैटर तैयार कर लेते हैं। इसको इसमें मिक्स करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। अब पूरे आटे को इसमें डाल देंगे। ये 1/4 दूध है, देख इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। अब मिक्स करते जाएंगे। ये बैटर पूरा तैयार हो चुका है। अब इसको केक टिन में ट्रांसफर कर देंगे। इसमें थोड़ा सा तेल डाल के मैंने इसको ग्रीस कर लिया अच्छी तरह से। थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क के इसको डस्ट कर लेंगे। अब बैटर को केक टिन में अच्छी तरह से सेट कर देंगे। पूरा टूटी फ्रूटी से ऊपर से इसको अच्छी तरह से गार्निश कर देंगे। अब ढक्कन हटा के इसको रख देंगे इसमें। बहुत सावधानी से रखें, बहुत गर्म रहता है। अब इसको ढक के 35 से 40 मिनट बेक करेंगे। थोड़ा सा फ्लेम को बढ़ाएंगे। केक तैयार हो चुका है, गैस को मैंने बंद कर दिया है, 5 मिनट के लिए चूल्हे पर ही छोड़ देंगे। ठंडा हो चुका है, अब इसको साइड को ऐसे कर लेंगे। ये केक तैयार हो चुका है मेरा, देखिए कितना फ्लफी बना है। अब इसको काट के दिखाते हैं। ये प्लेन आटा से बना है जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं। ये देखिए कितना अच्छा जाली बना है, देखिए।
अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।